उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पान मसाले की नामी ब्रांड कंपनी राष्ट्रीय के नमूनों की जांच में गैम्बियर मिलने की पुष्टि हुई है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने निर्माताओं को पत्र लिखकर इन ब्रांड की बिक्री पर रोक लगा दी, जिसके बाद माल बाजार से वापस मंगवाने की चेतावनी के साथ कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी गई। वहीं राजश्री पान मसाले में जहरीला केमिकल गैम्बियर मिलने के बाद गुटखा खाने वाले लोग सकते में आ गए हैं, जिसको लेकर सामाजिक संस्थाओं ने राष्ट्रीय को बंद करने की मुहिम छोड़ दी। बता दें कि गैम्बियर बहुत खतरनाक रसायन होता है। इसका इस्तेमाल चमड़े को रंगने में किया जाता है। इसके सेवन से गुर्दे लिवर खराब होने के साथ साथ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। वहीं खाद्य विभाग अब बड़े अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद इनके निर्माताओं के खिलाफ स्थानीय एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी वीके शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले इन दोनों ब्रांड के नमूने लेकर लैब टेस्टिंग के लिए लखनऊ भिजवाए गए थे। हम लोगों ने जनवरी महीने में राशि का सैंपल लिया गया था। हमारी प्रयोगशाला है गोरखपुर, वहाँ से जांच रिपोर्ट में दोनों मतलब सैंपलों में गैम्बियर आया हुआ है और गैम्बियर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विशेष रूप से जैसे गैम्बियर से कैंसर हो सकता है, डायबिटीज का भी खतरा बढ़ जाता है। तो हमारी जाँच रिपोर्ट में आया है कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये पान मसाला राजश्री गुटखा में जो मिलाया जाता है गैम्बियर, एक चमड़े रंगने के काम आने वाला पदार्थ है, जो कि चमड़ा रंगते हैं। ये जब मनुष्य यूज करता है राजश्री या पान मसाले के रूप में, तो उससे लीवर भी खराब होता है। और अमेरिकन स्टडी ने बताया हुआ है कि एक कैंसर कारक प्रोडक्ट है, जो कि कैंसर भी कर सकता है। देखिए, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गुटखा खाया जाता है और इसीलिए एक बार नहीं 50वीं बार इसकी चेकिंग हुई है। और ये सबसे ज्यादा पेशेंट जो कैंसर के हैं, जितने भी चेहरे में कैंसर के पेशेंट निकलते हैं वो बुंदेलखंड से निकलते हैं। और ये रिपोर्ट भी जा चुकी है 2-3 बार पूरे बुंदेलखंड में। महिलाएं भी और पुरुष दोनों बड़ी तादाद में गुटखा खाते हैं और उसके कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। गुटखा अवैध कारोबार है और इसमें माफियाओं का हाथ है। पूरा ये गुटखे का व्यापार माफियाओं के शिकंजे में है और राज्य सरकार बाकायदे इसमें मानवारी ले रही है और टैक्स लेकर के सरकार इनको खुली छूट दी है कि ये गुटखा में चाहे जहर मिलाए, केमिकल्स मिलाए, कुछ भी मिलाए, उसे खा करके लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, राजश्री पर गैम्बलर मिला है, इससे इस पर आप क्या कहेंगे? राशि का जांच कराई गई थी, ये जनवरी में सैंपल लिया गया था, उसकी जांच रिपोर्ट अभी लखनऊ से आई है, जिसमें गैम्बियर पाया गया है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसके लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी तक इस पर रोक नहीं लगाई गई है जानते हुए कि हानिकारक है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है, जो रूल के नियम के अनुसार हम लोगों ने एक नोटिस उनको भेजा है और अगर वो हमारे प्रयोगशाला के रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो दोबारा वो सेंट्रल लैब से भी जांच करा सकते हैं। तो उनको अभी अप्लाई उन्होंने किया है कि हमें दोबारा जांच करानी है और जब तक कि सेंट्रल लैब से पुष्टि नहीं 100% हो जाती तब तक उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। और जो नियमानुसार कार्रवाई हम किया है। धन्यवाद आपका विनोद जी। तो हमीरपुर में खाद्य सुरक्षा मानकों में राशि के सैंपल फेल हो चुके हैं। यहाँ मानकों पे उचित नहीं उतरा है राजश्री का पान मसाला, जिसमें जानलेवा गैम्बलर मिले पाए गए हैं। यहाँ ब्रांड के नमूने लेकर लैब टेस्टिंग के लिए भिजवाए गए थे, जहाँ मानक पर खरा नहीं उतरा है राजश्री पान मसाला। खाद्य विभाग अब बड़े अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद इनके निर्माताओं के खिलाफ स्थानीय एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराएगा। आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी वीके शर्मा ने बताया था कि कुछ दिन पहले इन दोनों ब्रांड्स को नमूने के लिए लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। आपको बता दें, इसमें मानक पर खरा नहीं उतरा है और इस पर कार्रवाई करने की खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बात कही है। तो राशि में पाए गए हैं कैंसर के तत्व।
समाज सेवी अनवर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि पान मसाले में गैमलर मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, पूरे बुंदेलखंड में गुटखा बड़े पैमाने पर खाया जाता है। इसकी चाहे बेरोजगारी मान लीजिए, ये यहाँ खेती में पानी आनी नहीं मिल पाता है, किसान जाके बैठ जाता है और इसका इस्तेमाल करता है कि कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा है बुंदेलखंड में, और पूरे बुंदेलखंड में गुटखा खाया जाता है और इससे बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को। तमाम तरीके की बीमारियां हो रही है, पूरे चेहरे में बड़े बड़े दाग हो रहे हैं लोगों के। इस पर सरकार की तरफ से रोक लगना चाहिए पूरी तरीके से, और डॉक्टरों ने भी कहा है कि इस तरीके से अगर लोग ये गुटखा खाते रहे तो आने वाले दिनों में हम हॉस्पिटल में लोगों को पलंग नहीं दे पाएंगे, इतने कैंसर के मरीज हो जाएंगे। अनवर जी, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा महिलाएं भी पान मसाला गुटखा का सेवन करती हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे, किस तरह की मजबूरी है ये? हम बड़ी तादाद में है, हमारी युवा पीढ़ी जो है, युवा लड़के, हमारी जो बहनें हैं और हमारे युवा भाई है, ये भी बहुत बड़े पैमाने पे गुटखा खाते हैं। जिसके मुंह पे देखिए उसके मुंह में गुटखा भरा हुआ मिलता है। तो ये सारे लोग जो है, ये पूरा गुटखा जो है ये लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत इस्तेमाल हो रहा है गुटखे का। नौजवान जितना भी है सब खा रहा है, यहाँ पर लेडीज भी खा रही है और जेंट्स भी खा रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे खा रहे हैं। जी जी बिल्कुल अनवर जी, इससे कई बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, दिल की बीमारियां हैं, कैंसर है, इस पर समाज सेवी संस्थाएं क्या कर रही हैं? समाज सेवी संस्थाएं रोकने के लिए प्रचार प्रसार करती रहती हैं, लोगों से कहती रहती हैं, जागरूकता है, लेकिन ये है कि उनके पास पैसा है, वो बस जिस तरीके का प्रचार करते हैं कि गुटखा खाइए या मजा मिलेगा, आनंद मिलेगा, ये खाइए, तो इस तरीके का प्रचार उनका ज्यादा है। और हम समाज सेवी सिर्फ सोशल वर्क में कह सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, हम मना नहीं कर सकते किसी को, लेकिन इसमें सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार में इसमें रोक लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ों से युवा पीढ़ी हमारी बर्बाद होती चली जा रही है, इतनी बीमारियाँ हो रही हैं, जितना कैंसर से मुझे लगता है प्रॉफिट नहीं है, उससे ज़्यादा इलाज में उससे पैसा जा रहा है यहाँ पूरे बुंदेलखंड। समाज सेवी होने के नाते आप क्या सरकार से क्या उचित कार्रवाई के का आश्वासन प्राप्त करे हैं? अभी तक आपने किसी तरह का आश्वासन प्राप्त किया है? मैडम, हमने पहले भी शिकायत करी थी, जिलाधिकारी को भी थी, मुख्यमंत्री को भी लिखा है, और अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लिख रहे हैं कि ये युवा पीढ़ी हमारी बिगड़ रही है, लड़कियां बच्चियां जो है स्कूल जो जा रही हैं वो भी झोलों में बच्चे में लेके जा रही है, नौजवान जो है बस्तों में लेके जा रहा है, कहीं भी कोचिंग में आप देखिए उसके बाहर भी गुटखे के सूपदान पड़े हैं, कॉलेजों में देखिए तो सूपदान से दीवारें रंगी पड़ी हैं। इस पर सरकार को एक क्विक वैसा एक्शन लेना चाहिए सख्ती के साथ, इस तरीके से स्कूल की संस्थाओं में जो है रोक लगे कि किसी भी तरीके का गुटखा आसपास ना दिखे, गुटखे को पूरी तरीके से साफ प्रदर्शन रखना चाहिए। अनवर जी, सरकार से आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो सरकारी महकमा ही गुटखा और पान मसाले का सेवन करता है? सभी, मैडम मैंने कहा नहीं, ये पूरे बुंदेलखंड में आप किसी भी सरकारी ऑफिस में भी देख लेंगे, सरकारी ऑफिस की दीवारें भी रंगी पुती ही मिलेंगी, चाहे किसी भी सरकारी ऑफिस में आप देख लें, सारे लोगों जो है वो गुटखा उनकी जेब में होगा और गुटखा खाते हुए वहीं आसपास बैठे हैं, वहीं थूक रहे हैं। इस पर पूरी तरीके से प्रिंसिपल लगना चाहिए, जो सरकारी ऑफिस में लगेगा, स्कूलों में लगेगा, तो फिर प्राइवेट में भी थोड़ी सी दहशत होगी, लोगों में डर पैदा होगा और रोक लगेगी। धन्यवाद आपका अनवर जी। तो हमीरपुर में खाद्य सुरक्षा मानकों में राष्ट्रीय के सैंपल फेल हो गए हैं।